अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं शादियों के जैसा गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ के जी के अराउंड गाजर, जिसको मैंने वॉश करके ग्रेट कर लिया है। एंड यहाँ पे एक मैंने बर्तन में रिफाइंड ऑयल ले लिया है, वही 3 बड़े चम्मच और 4 इलायची। जैसे ये थोड़ा देर शॉर्टे होगा, उसके बाद मैं जो ग्रेटेड किया हुआ गाजर है मेरा, वो इसमें मैं डाल ले रही हूँ। तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसे ग्रेट कर लिया था। तो मैंने अभी सारे गाजर जो मेरे ग्रेटेड थे वो मैंने इसमें डाल लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट हमें हाई फ्लेम में अच्छे से ऑयल के साथ में फ्राई करना है, ताकि जो गाजर का एक एक रेशा है वो अच्छे से भुन जाए। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें इस वीडियो को, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट करें कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। एंड और भी तरीके के रेसिपीज़ मैं लेके आऊँगी, तो जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमेशा मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पर मेरा जो गाजर है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मिल्क। तो ये मेरा मेजरिंग कप के हिसाब से है, तो यहाँ पे मैं 1 कप फुल मिल्क इसमें ऐड कर ले रही हूँ। अब 5 मिनट तक ये बॉईल होगा। जैसे आप मिल्क को देखिए, बॉईल हो गया है। उसके बाद मैं लेड हटा करके इसमें होममेड खोया ऐड कर ले रही हूँ। और जैसे ये थोड़ा सा और बॉईल होता है, तो इसमें मैं 1 पिंच के जैसे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो सॉल्ट डालने से जो भी मीठा का चीज़ होता है वो बहुत इन्हांस होता है। तो जैसे ही मेरा गाजर का हलवा अच्छे से कुक होता है, तो यहाँ पे हमारा जो मिल्क है वो रेड्यूस हो चुका है एंड गाजर भी अच्छे से पक चुका है। इसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने जो पाउडर मिल्क होता है वो 2 चम्मच लिया है एंड उसे अच्छे से मिल्क के साथ घोल लिया। इस वाले चम्मच से मैंने 2 चम्मच लिया था एंड उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज फूड कलर। और फिर इसको मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी और इसे थोड़ी देर तक कुक होने दूंगी, ताकि जो शुगर का टेस्ट है वो अच्छे से गाजर में मिक्स हो जाए। इसको मैं लिड डाल करके छोड़ूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं ड्राई किया हुआ जो गुलाब के पंखुड़ी होते हैं, यानी कि रोज़ पेटल, वो ले करके इसे हाथ से मसलते हुए इसमें डालूंगी। और इसमें मैं 2 बूंद के जैसे केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हलवा का एंड यहाँ पे मीठा आता है भी। एंड फिर इसको मिक्स कर दूंगी। ये एकदम लास्ट स्टेज है जब हमारा जो ऑलमोस्ट पानी है वो एकदम रेडी हो जाए। फिर मैंने लिया है ड्राई किए हुए रोज़, तो इसे मैंने ओवन में ड्राई किया था, तो उसका भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगी कि कैसे आप ड्राई करेंगे ओवन में। तो मैंने इन सब से इसे डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टूटी फूटी आलमंड, मैंने यूज़ किया है काटे हुए, एंड काजू किशमिश। यहाँ पे मैंने होममेड खोया है जो मैंने बनाया था, उससे डेकोरेट कर लिया है इसे। मैंने गड़ी यूज़ किया है, उसे कद्दूकस करके एंड यानी कि ग्रेट करके, एंड ड्राई रोज़ उससे मैंने डेकोरेट किया है। एंड यहाँ पे कुछ मैंने डेट्स भी जो ड्राई वाले होते हैं उसे भी कटिंग करके डेकोरेट किया है। तो काफ़ी अच्छा बना था, इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट करें। एंड मैं आगे भी और भी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी, तो इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। एंड आपको हमेशा मेरा न्यू रेसिपी का अपडेट मिले, इसके लिए सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएँ। एंड आती हूँ मैं ऐसे वीडियोज़ के साथ में। सो टिल देन, बाय।